उधर तुर्की ने एक हफ्ते के अंदर कुर्द लड़ाकों पर दूसरा बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में तुर्की ने 10 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने और उनके कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया और तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में तुर्की की सेना खतरनाक ड्रोन, लड़ाकू विमानों और तोपों के जरिए हमले करती दिखी। तुर्की के मीडिया के मुताबिक यह ऑपरेशन इराक और सीरिया के उत्तरी इलाकों में चलाया गया। तुर्की की दक्षिणी सीमा से लगने वाले इन इलाकों को कुर्द लड़ाकों के संगठन PKK का गढ़ माना जाता है और तुर्की की फौज ने वहां घुसकर जोरदार प्रहार कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि कुर्द लड़ाकों के ठिकाने का पता चलते ही तुर्की का एक ड्रोन वहां टूट पड़ा और पलक झपकते ही उसने ऐसा हमला किया कि जमीन पर मौजूद कुर्द लड़ाकों का ठिकाना तहस नहस हो गया। और इस हमले में तुर्की ने वहां मौजूद कई कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन उनका यह सैन्य ऑपरेशन इतने पर ही नहीं रुका। तुर्की की सेना ने एक और ठिकाने पर पहले से भी बड़ा हमला कर दिया और इस बार उसके लड़ाकू विमानों ने कुर्द लड़ाकों पर कहर ढाया। तस्वीरों में तुर्की के दो विमान तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ते दिखे। टारगेट पर पहुंचते ही उन्होंने मिसाइल छोड़ दी। इसके बाद वहां इतना बड़ा धमाका हुआ कि आसपास काफी दूर तक कुछ दिखा ही नहीं। तुर्की ने दावा किया कि उसके हमलों में सीरिया में 7 और इराक में 3 कुर्द लड़ाके मारे गए। इस हफ्ते में तुर्की ने कुर्द लड़ाकों पर यह दूसरा बड़ा हमला किया क्योंकि तुर्की उन्हें आतंकी मानता है। वो आरोप लगाता आया है कि कुर्द लड़ाके उसकी सीमा में हमले करते हैं, जबकि कुर्द समुदाय के मुताबिक उसके लड़ाके एक अलग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।